ब्यूटीफुल ब्रुकलिन ब्रिज, जिसे आप हिंदी मूवी कल हो ना हो में तो जरूर देखे होंगे, और भी कई सारे मूवीज में हम इसे देखते हैं। तो आइए आज हम इसे करीब से जानते हैं। सौ 38 साल पहले बनी इस ब्रिज की ओपनिंग 24 मई 1883 को हुई थी। उस वक्त ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज थी। इस ब्रिज को डिजाइन किया था जॉन ए रॉबलिन ने। इस ब्रिज की टोटल लेंथ 6016 फीट विथ 85 फीट एंड हाइट 272 फीट की है। न्यूयॉर्क की दो आइलैंड मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन को कनेक्ट करने वाली इस ब्रिज की बहुत ही रोचक स्टोरी है। तो आइए आज हम जानते हैं उन्हीं स्टोरी के बारे में। जब इस ब्रिज को बनाने का प्लान किया था रॉबलिन ने, तब दुनिया की कोई भी इंजीनियर ने इसे बिलीव नहीं किया। कहा ये पागलपंथी है, ये बस इमेजिनरी में ही है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। लेकिन रॉबलिन को तो जुनून सवार था, उसे ये सपना पूरा करना ही था। बहुत प्रयास के बाद किसी ने जब साथ नहीं दिया, तो फिर उन्होंने उनके बेटे वाशिंगटन से बात की। बेटे ने उन्हें समझा और फिर दोनों ने निर्णय लिया, इस ड्रीम को हमें जैसे भी पूरा करना है। 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हुई। कुछ दिनों के बाद ही एक ऐसा दुर्घटना हो गया जिसमें रॉबलिन की डेथ हो गई, लेकिन उनके बेटे ने काम को जारी रखा। 2 साल बाद और एक बड़ा झटका, रॉबलिन के बेटे वाशिंगटन को भी पैरालिसिस हो गया और वे बेड पकड़ लिए। फिर एक दिन उनके हाथों में एक हलचल सी महसूस हुई। किसी तरह उन्होंने अपने वाइफ एमिली वायरन को हाथों के जरिए इशारा किया। उन्होंने सिर्फ उंगली के जरिए कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। वो कम्युनिकेशन इतना आगे बढ़ा कि उन्होंने धीरे धीरे अपने वाइफ के साथ एक कोड लैंग्वेज डेवलप की और काम दोबारा से स्टार्ट हुआ। 11 साल तक सिर्फ उंगली की साइन से उसकी वाइफ ने डायरेक्शन देता गया, जिसका परिणाम 1883 को खड़ी कर दी ब्रुकलिन ब्रिज और ये इतिहास बन गया। अगर आप ब्रुकलिन की दिशा से मैनहट्टन की ओर वॉक करते हुए आओगे, तो आपको ये खूबसूरत सा मैनहट्टन स्काईलाइन देखने को मिलेगा। यहाँ दैनिक की हजारों विजिटर्स आते हैं विजिट करने और फोटो खिंचवाने। तो अगर आप प्लान कर रहे हो न्यूयॉर्क की, तो आपकी विश लिस्ट में ब्रुकलिन ब्रिज जरूर होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।